गणपति बाप्पा लाडू। टोंगमुई एयरपोर्ट पे ना ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है, इसीलिए टोंगमुई एयरपोर्ट पे आना चाहिए और उसकी टिकट की प्राइस में भी आपको है ना थोड़ा कम रहे। हमारी फ्लाइट थाई एयर एशिया। वाओ वेलकम बैक, न्यू एपिसोड लेके आ चुका हूँ रद्द विश्मय व्लॉग और अब हम जाने वाले हैं थाईलैंड एयरक्राफ्ट। बहुत लंबा है, सच में देखो तो बहुत लंबा है, 69 पे है ये। अब क्या कितना आया है अभी 65 और अभी भी बहुत आगे है 69। यहाँ पे खड़े ही रहना पड़ेगा। ये अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा है क्या? क्या छूटने वाली है क्या? भागो भागो भागो, इतना खाना पीना नहीं था। फाइनल कॉल है क्या? फाइनल कॉल लॉन्च ऐसे इसमें इतना खाते हो तो बाद में क्या करें, लेडी हो जाएगा ना। 69 जोनी भाई, 26 हूँ मुझे भाई। थैंक यू विश्मय रिची एंड रीवा। थाई एयरलाइन ये सब भाई धूम मचाने वाले थाईलैंड में। भाई 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 ये सब धूम मचाने वाले। आपके बुक में हमको भी ले लेना। अरे पक्का पक्का पक्का। आईडी भी बता देना। राधे विश्मय ब्लॉग। क्या नाम? राधे विश्मय ब्लॉग। ओके कहाँ पे जाने हो? बैंकॉक। पटाया? पटाया तो जाना चाहिए ना यार, पटाया जाना चाहिए। पुकेट जाएंगे? पुकेट जाने वाले हो? मैं डायरेक्ट पुकेट जाने वाला हूँ, बैंकॉक टू डायरेक्ट पुकेट। गणपति बाप्पा लाडू। ओके पासिंग हो गया। थैंक यू। सुगंध आवे वैशाली आपने सूत्रा थी तो तमाकू सालू थी गयो, अमने पण थोड़ो सोड आपता रहे। तो सच बताऊ ना तो ये जो बोल रहे ना वो सुनना ही चाहिए। पिज्जा है ये देखो, पिज्जा है या पिज्जा, और एक पानी की बोतल दी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। टोंगमुई एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। टोंगमुई एयरपोर्ट सुबह के वैसे बजे 6:06 टोंगमुई एयरपोर्ट पे अभी क्या इमिग्रेशन है, क्या ऑन अराइवल प्रोसेस है, वो सब आप लोग के साथ में शेयर करेंगे। इमिग्रेशन में कौन सा प्रोसेस है, ऑन अराइवल में और स्टिकर पे। नोकेर, ये है नोकेर। बैंकॉक में जो टोंगमुई एयरपोर्ट है ना उस पर क्यों आना चाहिए, उसका रीज़न है ये मैं आपको बताता हूँ। ये अपना सुवर्णभूमि जो एयरपोर्ट है ना उस पर क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है वैसे तो, इमिग्रेशन में ऑन अराइवल में बहुत ट्रैफिक रहता है, और ये टोंगमुई एयरपोर्ट पे है ना ट्रैफिक बहुत ही कम रहता है, इसीलिए टोंगमुई एयरपोर्ट पे आना चाहिए और उसकी टिकट की प्राइस में भी आपको है ना थोड़ा कम रहेगा। सुवर्णभूमि एयरपोर्ट का जो बैंकॉक पे सुवर्णभूमि है ना तो उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपकी फ्लाइट जैसे लैंडिंग करेगी ना तो वैसे एयरपोर्ट पे उतर के आपको सीधा राइट हैंड साइड पे आना है, और राइट हैंड साइड पे आके बस आपको धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ता जाना है। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा ही होगा इमिग्रेशन ऑन अराइवल, सब लिखा ही होगा। ये देखो इमिग्रेशन बैक कैबिन, देखो यहाँ पे लिखा है ना वीज़ा ऑन अराइवल, ये रहा। एयरपोर्ट पे मनी एक्सचेंज करवाना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, इसलिए पहले से इंडिया का ही करवा के लाओ। इमिग्रेशन
इमिग्रेशन आप क्रॉस करोगे ना, बाद में आपको लगेज मिलेगा, उससे पहले आपको लगेज मिलने वाला नहीं है। तो इमिग्रेशन क्रॉस करो और बाद में लगेज को कैरी करो। कुछ पूछा नहीं इमिग्रेशन में, एक सवाल का जवाब भी उन लोगों ने पूछा नहीं है, और सिर्फ एक ही मिनट में उन लोगों ने बाहर कर दिया। क्योंकि हम लोग के पास स्टिकर वीज़ा था, तो स्टिकर वीज़ा होने के हिसाब से फिंगरप्रिंट लिया और एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा और हम लोग को बाहर कर दिया। बाहर मतलब एग्जिट कर लिया। डोंग मुइंग एयरपोर्ट पे भी ड्यूटी फ्री एरिया है, तो आप यहाँ से भी लिकर परचेस कर सकते हो। हम लोगों ने प्रिफेयर किया है ये, हम लोगों ने प्रिफेयर किया है 20 डेज का। इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं, स्पेशल है वो, 20 डेज का पड़ेगा आपके डेज के हिसाब से। हाँ, हम लोगों ने ये देखो यहाँ से परचेस किया है। वैसे 3 सिम कार्ड लेना है तो यहाँ पे हम लोगों ने परचेस के लिया। जैसे गेट से बाहर आओगे तो उसके सामने ही है ये। 20 दिन के लिए हमको यहाँ पे मिला है 600 बाद। ओके, तो 600 बाद के लिए 20 डेज के लिए मिला है हमको अनलिमिटेड डेटा फ्री। तो हम लोगों ने बताया, हमारी जो डिमांड थी ना, वो हमने उन लोग को बताया कि हमें, हम लोग इतना 20 दिन स्टे करने वाले हैं, तो 20 दिन के हिसाब से हमको कौन सा सिम लेना चाहिए। तो उन लोगों ने ये प्रिफेयर किया कि ट्रू 5G। थैंक यू। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग सिम कार्ड बाहर से लेंगे, 7-Eleven में से लेंगे, इधर उधर से लेंगे। नहीं, लेकिन जो बेस्ट डील मिलती है ना, दी बेस्ट डील, वो आपको एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। और इसमें आप कॉलिंग भी इंक्लूड है। यस, जो बेस्ट डील है ना, वो आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही मिलने वाली है, ये ध्यान में रखना ये बात। डोंग मुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप जैसे बाहर आओगे, वैसे राइट हैंड साइड पे आपको बस टर्मिनल मिल जाएगा। बस टर्मिनल पे आपको बैंकॉक में कहीं पे भी जाना है, आपको नाना रोड पे जाना है, आपको खाओसान रोड पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो 50 बात में आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। डोंग मुई एयरपोर्ट के नीचे ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको मिल जाएगा 7-Eleven। लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ जाएगा ये पूरा स्टोर है। तो पानी की बॉटल, आप कुछ भी परचेस करना चाहो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। 7-Eleven स्टोर। इतना बड़ा ग्लास दिया है कॉफी का, इतना बड़ा ग्लास। वैसे 60 बाट में ही परचेस किया है, 60 बाट में, गलत नहीं है, हैवी कॉफी है। अब हम लोग जाने वाले हैं डोंग मुई एयरपोर्ट टू पुकेट। तो हमारी फ़्लाइट थे ना पहले डायरेक्ट थी, जो मैंने आपको बताया था, जो हमने बुकिंग करवाया था गो फर्स्ट में, तो वो तो कैंसिल हो चुकी है और उसका भी रिफंड आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं है। तो गो फर्स्ट में डायरेक्ट हम लोग बॉम्बे टू पुकेट जाने वाले थे, लेकिन बाद में हम बॉम्बे टू डोंग मुई एयरपोर्ट बैंकॉक, और ये डोंग मुई एयरपोर्ट टू हम लोग जाने वाले हैं पुकेट। थर्ड फ्लोर पे ये डोंग मुई एयरपोर्ट का डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो हम लोग जो पुकेट जाने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो थाई एयर, ये पूरा स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा। सीधा बताता हूँ, डोंग मुई एयरपोर्ट से बाद में आपको पुकेट जाना है तो बहुत इजी है, गोल गोल मत घूमना, हम थोड़ा गोल गोल घूम चुके हैं। आपको जाना है टर्मिनल 2, ये देखो टर्मिनल 2। इंडिया से जो भी फ्लाइट आती है वो इंटरनेशनल कहलाती है। बाद में हम लोग को जाना पड़ता है, पुकेट जाओ, क्रैबी जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो आपको आना पड़ेगा टर्मिनल 2। तो थर्ड नंबर फ्लोर पे आना पड़ेगा और बाद में चले जाओ टर्मिनल 2। और ये है टर्मिनल 2, ये देख लो, ये रिबॉट, ये देखो, ये मशीन ऑटोमेटिक साफ हो रहा है। डोमेस्टिक डिपार्चर क्या काउंटर पर जाओ, यहाँ बात करो। अब हम करने वाले हैं एक सेटिंग। हमारी फ्लाइट है 11:30 की, और इससे पहले तीन फ्लाइट यही कंपनी की जा रही है, थाई एयर एशिया की। तो हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि हम लोग को थोड़ा
पहले शिफ्टिंग कर दो। अब हमारा चेकिंग होने वाला है डोंग मुई एयरपोर्ट टू पुकैट। इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है, बस अब फ्लाइट में बैठने की थोड़ी सी देरी है। और ये है मेरे पीछे डोंग मुई एयरपोर्ट का ये कुछ नज़ारा। अच्छा एयरपोर्ट बराबर है ना, अच्छा है। राखी चौक नोका फ्लाइट, नोका फ्लाइट कलरिंग कलरिंग फ्लाइट नोका। लेकिन एक चीज़ है, नोका फ्लाइट कैंसिल बहुत है। मैं कम से कम 3 घंटे से ये स्टडी कर रहा हूँ, नोका फ्लाइट कैंसिल बहुत हो रही है। और एयर एशिया, थाई एयर एशिया कंटिन्यू चल रही है। डोंग मुई एयरपोर्ट सच में बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा है डोंग मुई एयरपोर्ट। हम लोगों ने चेकिंग कर लिया ना, इमिग्रेशन हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है डोंग मुई एयरपोर्ट। सब फॉरेनर्स, इंडियन कोई दिख ही नहीं रहा है। बच्चों के लिए खेलने के लिए ये पूरा गेम जोन भी है यहाँ पे, तो है गेम जोन भी, आपको तो मजा आ गई। ये है हमारी फ्लाइट थाई एयर एशिया, अच्छी है, बढ़िया फ्लाइट है। एयर एशिया न्यू फ्लाइट थाईलैंड, न्यू फ्लाइट एयर एशिया। एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा है, एयरक्राफ्ट है, बेस्ट है, पता क्या। अंदर का इंटीरियर भी बहुत बढ़िया है, ये देखो सीट, इंटीरियर बहुत अच्छा है। एयर एशिया।